नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। बिहार दरोगा के लिए या अन्य किसी परीक्षा में भी आपके काम आ सकता है। हिंदी, जनरल हिंदी का जो पेपर होता है उसके लिए कल मैंने तत्सम और तद्भव पढ़ाया था, आज आपको समास बताने जा रही हूँ। बहुत ही सरल भाषा में आप समझिए कि समास क्या होता है और समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं बड़ी सरल भाषा में, छोटे छोटे पॉइंट में 6ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे द्वंद्व में दो बार द और दा आ रहा है, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि इसमें जो दो शब्द होते हैं, दो पद होते हैं, वो दोनों समान होते हैं। जैसे द्वंद, द्वा पहले भी है, द्वा बाद में भी है। आप सेन मतलब एक ट्रिक के टाइप से अपना सकते हैं कि द्वंद में दोनों द आगे और पीछे का बराबर होता है, उसी तो इसके दोनों पद समान होते हैं और इनके बीच में और शब्द छिपा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए भाई बहन, डैश लगा हुआ है, अर्थात भाई और बहन। भाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है, बहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दोनों पद महत्वपूर्ण है। भाई बहन बीच में डैश लगा है, इसमें और छुपा हुआ है, लिखना चाहिए था भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म, इनके बीच में और शब्द छिपा होता है। तो जहाँ पे और शब्द छिपा हो और दोनों पद समान हो वहाँ पे द्वंद समास होता है। तो ये बड़ा आसान है समझना। दूसरा है द्विग समास। द्विग में गणना पद आता है। गणना पद का मतलब हुआ जब भी कोई शब्द मिलेगा और उसमें कोई अंक का वर्णन होगा, कोई गणना दी रही होगी, किसी की गिनती दी होगी, तो वो आपका द्विग समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, यानी कि 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी होता है। चौराहा मतलब 4 रास्ताओं का समूह। कोई भी ऐसा शब्द होगा जिसमें 2, 4, 5, 6 ये सब सब जो अंक का वर्णन होगा, गिनती होगी, वहाँ पे आपका द्विग समास हो जाएगा। कहीं कहीं ये बहुव्रीहि में कन्फ्यूजन कर देता है। जैसे दशानन, 10 सिर हैं जिसके, मतलब 10 शब्द आया तो इसको द्विग हो जाना चाहिए था, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर के लिए ही प्रयोग होता है। दशानन का अर्थ रावण होता है। दशानन रावण के अलावा किसी और के लिए प्रयोग नहीं होता। तो जब किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे, जब किसी विशेष अर्थ में ये प्रयोग हो, तो वहाँ बहुव्रीहि होता है, द्विग नहीं होता। लेकिन दशानन शब्द दिया हो और आपके क्वेश्चन में बहुव्रीहि ना हो, द्विग दिया हो, तो आप द्विग को ही टिक करेंगे, लेकिन यदि बहुव्रीहि दिया है तब आप बहुव्रीहि को ही लगाएंगे। और पंचवटी में भी अगर द्विग और बहुव्रीहि दोनों दे दिया है तब आप बहुव्रीहि को ही लगा देंगे। बहुव्रीहि ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है द्विग से, लेकिन गिनती में ऐसे द्विग समास होता है और बहुव्रीहि का एक विशेष अर्थ होता है। अगला हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य प्रधान रहे। अन्य प्रधान का मतलब जो शब्द लिखा है उसका जो शाब्दिक अर्थ निकल रहा है वो अर्थ ना होकर उसका एक दूसरा ही अर्थ जब सामने आता है तो वो बहुव्रीहि कहलाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ का शाब्दिक अर्थ होता है कि नीला कंठ है जिसका, किसी का भी हो सकता है, लेकिन नहीं, नीलकंठ का मतलब शाब्दिक अर्थ तो नीला कंठ है जिसका, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ होता है भगवान शंकर। नीलकंठ शब्द का प्रयोग शंकर के लिए प्रयोग होता है, शिव के लिए प्रयोग होता है। तो जो अन्य अर्थ जिसका प्रधान होता है, जिसका अन्य अर्थ निकलता है और वही प्रधान होता है, उसमें बहुव्रीहि होता है। जैसे लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, आजकल तो सबका ही है, पर लंबोदर वर्ड
गणेश जी के लिए प्रयोग होता है। लंबोदर शब्द गणेश जी के लिए प्रयोग होता है, लंबा उदर है जिसका मतलब गणेश जी। जब वो किसी पर्टिकुलर अर्थ को निकालता हो जबकि उसका शाब्दिक अर्थ दूसरा हो, वहां पे बहुव्रीहि हो जाता है। दशानन का उदाहरण अभी हमने दिया था। आगे आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद का मतलब हुआ कि जो दो पद हैं उसमें पहला पद से अधिक दूसरा पद का महत्व होता है, और पहला पद जो होता है वो दूसरे पद की विशेषता भी बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तब ये कर्मधारय कहलाता है। कैसे बताता है? जैसे महात्मा, तो आत्मा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो महात्मा हो गया उसमें जो महाशब्द है, जो महान शब्द है, तो वो महा आत्मा की विशेषता बता रहा है, यानी कि कैसी आत्मा जो महान है। तो पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, नील क्या हो गया? कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है, नीला है। यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, यानी कि पहला पद जुड़कर दूसरे दूसरे जो शब्द होता है उसको, यहाँ तक कि बारंबारता या उस शब्द को एक मतलब एक बारंबारता टाइप से प्रदान करता है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि अर्थ बहुत नहीं बदलता, बस उसको और प्रगाढ़ता दे देता है। अव्यय जुड़ने से उसका अर्थ नहीं बदलता, लेकिन उसमें उस शब्द की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। जैसे दिन में प्रति लगा दिया तो प्रतिदिन, यानी कि दिन की बारंबारता बढ़ गई, मतलब रोज। जैसे शक्ति, शक्ति एक शब्द है, उसमें यथा जुड़ गया तो यथा अव्ययी हो गया, मतलब यथा शक्ति, यानी कि शक्ति को एक अर्थ ये दिया कि जितनी मेरी शक्ति है उतनी, या जिसके लिए भी बोला जा रहा है यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार उस शब्द को प्रगाढ़ता देता है। अगला है तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह छिपा होता है। कारक होते हैं ना, काके के, नानी ने, ये जो बीच के शब्द होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। जैसे राजा के पुत्र को लिखा जाएगा राजपुत्र, राजपुत्र में का छिपा हुआ है, राजा का पुत्र होना चाहिए लेकिन राजपुत्र हो गया। रोगग्रस्त, यानी कि रोग से ग्रस्त, पर रोगग्रस्त लिख दिया तो से छुपा हुआ है। तो इसमें कारक चिन्ह छिपे होते हैं, और कारक हमारे पास 8 कारक होते हैं। जैसे वही सब छिपे, से है, का है, ना, ने है, के है, पर है, ये सब जो छिपे हुए वर्ड कारक होते हैं वो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो आशा है आपको समास क्लियर हो गए होंगे, आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।